सो हिप्स गाइस के सब मैं आपको इनकू और आप देख रहे हैं इनकू व्लॉग्स। तो गाइस आज ही भाई आज सुबह से जिद कर रहा है, कह रहा भैया सांड पे बैठूंगा सांड पे। गाइस मैं मना कर रहा हूँ भाई, सांड पे मत बैठ। अगर सांड पे बैठेंगे ना भाई, सांड पहले गिराएगा फिर पैरों से कुचलेगा। सांड बहुत एग्रेसिव होता है। बात तो सही है, कुछ भी हो जाए मतलब सिंग मार दे कोई भाई। मन अगर यार कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं होता। आ जाओ गाइस, जिद कर रहा है भाई सांड पे बैठने की। रहने दे भाई, कुछ नहीं होता भैया, चलो ना। बहुत अच्छा चलाता सांड, मजे आएंगे वो सांड पे। पहले मैं बैठूंगा फिर तुम बैठ जाना। कोई भाई मान जा, अभी भी सोच ले भाई, मैं बैठूंगा भैया, मेरे को नहीं पता। मार देगा भाई, नहीं ऐसे कैसे मार देगा। और गाइस एक चीज और, बहुत दिनों से अजय की मम्मी के कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास। अजय की मम्मी कह रहे हैं भाई अजय के बाल कटवा दो। ये देख लो गाइस कितने बड़े बड़े बाल करके बैठा है। मेहनत लगती है, 500 रुपए वाले शैम्पू लगते हैं डेली इसमें एक। जा एक मिनट में कैसे चला देते हैं, बढ़ाने में तो बहुत टाइम लगता है। भाई भाई कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है भाई भाई। पागल है क्या, सांड भी डर के भाग गए इससे। ये देख लो गाइस अजय अच्छा काम कर रहा है, गुड खिला रहा है भाई सांड को। पहले तो बैठने ही कह रहा था गाइस, अब गुड खिला रहा है भाई। अच्छी बात है गाइस, बैठना नीचे सांड पे। गाइस ये देख लो भाई अजय बहुत देर से पीछे लगा हुआ है। अरे बात कर रहा भाई, बार बार ट्राई कर रहा भाई सांड पे बैठने का। अजय अजय को देखते ही भाग रहा है भाई। अगर इसको समझ में आ गई सारी बातें, आज अजय भलाई का काम कर रहा है भाई, सबको खाना खिला रहा है। लेकिन एक सेकंड, मरना तेरे को डर नहीं लगता? गाइस मेरे को लगा भाई अजय को लेके भाग जाएगा अब ये। भाई मान जाओ गिरा देगा भाई। कुछ नहीं मानेगा, चलो सही कह रहा हूँ। अजय मान जा भाई, मान जा। गाइस अभी भाई सीन हो गया, गाइस अजय मिल नहीं रहा भाई, अजय पता नहीं कहाँ चला गया। सांड के चक्कर में पागल हो रखा है कई दिनों से। अरे सांड पे बैठूंगा, सांड पे बैठूंगा। कहाँ गया अजय, अजय कहाँ है? ओ भाई ये देख लो गाइस, ये खड़ा अजय। अरे सांड की सवारी कर देगा, क्या शौक चढ़ गया इसको। दो तो सांड। ओ भाई, ओ भाई 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 अजय अजय रहने दे, रहने दे अजय, रहने दे। घर विच डांग खड़ के गाइस मैं मना कर रहा हूँ भाई, फिर भी जाके सांड पे बैठ रहा है। अब तो बड़े वाले पे बैठूंगा, समझ आ नहीं आ रहा। बड़े पर सही मत, बड़े वाला मार देगा यार, सींग होते हैं उसकी। हाँ, कुछ नहीं मारेगा, सींग पकड़ लूंगा। क्या बातें कर रहा है बड़े वाला भाई, इसको बहुत गंदी तरीके से पीट देगा भाई। अरे कुछ नहीं होगा भैया, मैं गुड ले लूंगा, दो तीन डली उसको खिला दूंगा फिर बैठ जाऊंगा। ये देख लो गाइस सांड से पंगा लेना कितना खतरनाक हो सकता है। गाइस जब सांड पीछे पड़ता ना भाई, गाइस सिर्फ पीछे पड़ जाता और चोट पे जाके मानता है। तो गाइस सांड से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। और बाकी देख लो गाइस कितना एक्सपर्ट है। मेरे को लगा भाई सांड पे बैठेगा और सांड इसको पटक देगा, जैसे सांड पटकने वाला होता है पहले ही उतर जाता है। वेल डन, तीन तीन चलो भैया सही। खतरनाक वाला सांड, अगर अजय इस पे बैठ गया ना भाई, पता नहीं। अजय रहने दे भाई, रहने दे भाई, अजय रहने दे भाई इस पे। नहीं यार बैठ जाऊंगा मैं, बहुत मजा आएगा। नहीं रहने दे, चोट लग जाएगी, रहने दे। दोबारा से बैठे प्रैक्टिस करके, अभी होगी प्रैक्टिस मेरी। गाइस ये प्रॉपर वाले बुल है, इसको समझ में नहीं आ रही भाई, बहुत गंदा हाल कर सकते हैं अजय का। सांड का दिमाग घूमता है ना, बंदा कहीं भी भाग जाए उसके पीछे लग जाता है, छोड़ता नहीं है भाई। बस गाइस एक चीज है, मैंने इसको मना किया है भाई, गाय पे मत बैठ, गाय पे मत बैठियो भाई। सांड पे बैठूंगा, पूजा करते हैं गाय की, तो इसलिए भाई ये भी गाय पे नहीं बैठेगा और मैं भी इसको अलाउ नहीं करूंगा कभी भी। आज थाइस की एक्सरसाइज करी, थाइस में गाइस बहुत दर्द हो रहा है भाई, मालिश कर रहा भाई, ये निकालना पड़ेगा सर। तो गाइस फिलहाल मैं आ गया घर पे और अभी ना गाइस चिनू सो रहा है। करंट लगा दिया, उसने करंट लगा दिया, तेरे करंट लगा दिया भाई। भाई से लगाया था, किसने लगाया? तो पता है मैं लगा तो करंट नहीं लगाता ना। आपको अपनी मम्मी का समय, आपको अपनी मम्मी का समय नहीं। उतार दी, उतार दी, उतार दी, उतार दी, उतार दी। गाइस अजय ने अपने भाई के भी लगा दिया भाई, छोटे भाई के पूरा सर झंझना। चलो हाँ झंझना आ जाता है। गाइस अभी ना भाई अजय और चीनू रेडी हो गए एक चैलेंज करने के लिए, इनके साथ एक मस्त वाला चैलेंज करेंगे। हाथ बांधने पड़ेंगे भाई चैलेंज के लिए। अजय के हाथ के अंदर डंडा डाल दिया पूरा, तो पार कर इसको। अजय के हाथ में पूरा डंडा डाल दिया भाई, अरे टेप भी मार दी भाई, पैंट नहीं उतारेंगे। ये देख लो गाइस स्टैचू बना दिया भाई दोनों, बस एक चैलेंज है सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं है। उनकी ना गाइस पैंट के अंदर बर्फ डाल देंगे सर्दी में, मस्त प्लान। गाइस हाथ भी नहीं मोड़ पा रहे भाई, ये सिंपल चैलेंज है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अब दूसरी साइड मूव कर लो, पीछे घूम जाओ, पीछे घूम जाओ भाई। करंट नहीं है यार, आगे देखना भाई, आगे देखना भाई। चीनू क्या क्यों डर रहा भाई, तू क्यों डर रहा? ये तो डर गया गाइस, ये नहीं करवा रहा भाई। डर जा, बैठ जा, बैठ जा, कोई बात नहीं। ये देख लो गाइस पहले ही डर गया। दोनों की आंख पे हाथ रख लिया,
डर क्यों रहा है चीनू? पैंट में भाई बर्फ है, अजय की आंख में आंसू आ गए, इसने डंडा तोड़ दिया भाई, भाई डंडा ही तोड़ दिया गाइस। बाकी देख लो गाइस, पापा जी भी घर पे आ गए हैं। गाइस तुम्हें पता ही है भाई, पापा का पहले एक रोल था एक छोटी सी मूवी में पुलिस वाले का, थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर लेते हैं। आ जाना गाइस, पापा की एक्टिंग चेक करते हैं भाई। हम गुंडे बनेंगे, पापा पुलिस वाले बनेंगे। मस्त प्लान। अरे आप सिंगम, हम गुंडे, बस मारना मत हमें। हम आएंगे गुंडों की तरह पुलिस स्टेशन में। तू कॉन्स्टेबल है ठीक है पापा का? गाइस हमारे गुंडों को पकड़ लिया पापा जी ने, तो छुड़वाने आ रहे भाई। कह रहे मेरे आदमी लोग को अंदर कर दिया ना तूने? साला उधर जयकान गरम है, इधर तू गरम है, इसलिए मामले को थोड़ा समय कूल करने को आ गया हूं। और अरे बाप रे, कुर्सी पे बैठू ना, नहीं तो बाद में कुर्सी को ठपाक करके लात मार के मेरे को बोलेगा तूने ना तू? जब तक बैठने को कहा ना जाए तब तक चुपचाप खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। आई क्या बड्डीस करेक्ट बोला कि नहीं यार? चल कटिंग मंगा ले, अदरक मार के। क्यों सिंगम, छोड़ देने मेरे आदमियों को। FIR बन गया है। तो फाड़ दे उसको, गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, फाड़ना गैर कानूनी है। फाड़ दे रे, ऐसे चार बुक नहीं प्रिंट करके चकाचक देर को देता हूं मैं, फाड़ दे। ज्यादा सोच मत, सीरियस से बोलता तेरे को, फाड़ दे। यही तो मैं समझा रहा था तेरे को सिंगम, ये फोकट की गर्मी और FIR क्यों फाड़ा? FIR क्यों फाड़ा? ए फड़े, FIR क्यों फाड़ा? सिंगम तेरे को पता है मैं कौन हूं, जयकांत कौन है? गाइस फाइनली ये वाली वीडियो बना ली। गाइस कमेंट करके बताना भाई सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी? आपकी मुझे लगी। मेरी पापा जी की तो अच्छी थी, बड़े पापा की भी थी, लेकिन आपकी मुझे ज्यादा लगी। गाइस चीनू मेरी बता रहा है, बाकी गाइस कमेंट करके बताना। बाकी गाइस ये वीडियो बनाने में बहुत मजे आ गए, मैं और बाकी हमारी गैंग वाले सारे गुंडे बने थे, तो इस चक्कर में गाइस सबकी पिटाई होगी तगड़े वाली। ये देख लो गाइस, चांद को तो लात लगी भाई, वो लात रियल में लगी है, वो एक्टिंग नहीं लग रही थी मेरे को। पिटाई हुई है ना भाई, सच में हुई है, जिसको तो उठा के पटक दिया। पापा ने जो पिटाई करी है ना भाई सबकी, सबको जैसे पटका है, हमें भी पूरी गुंडों वाली फीलिंग आ रही थी। मैं तो कॉन्स्टेबल तो फायदे में रह गया, मैंने पिटा। हाँ। गाइस कॉन्स्टेबल फंस गया भाई। अच्छा, पापा बचा रहे भाई सबको। बाकी देख लो गाइस हमारे भाई आए हैं, आज हमारी थेरेपी करेंगे। कब थेरेपी? आज हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं। अजीब सा दर्द हो रहा है भाई, अजीब सा, और मजा भी आ रहा है, दर्द भी हो रहा है, ऐसा लग रहा है खाल खींच रही। ना के बराबर टॉक्सिन से बॉडी भैया की एक भी निशान नहीं आई। भाई कह रहा है भाई इससे ना जितना रेड होगा ना उतनी बॉडी में गंद है, अब मेरी बॉडी में कह रहा है 1% भी गंद नहीं है। गाइस मेरी तो थेरेपी होगी, चीनू की बारी है भाई, चीनू को देखते हैं। देखते हैं गाइस, ओ भाई कैसा लग रहा है चीनू, कैसा लग रहा है? कोई चुटकी बोल रहा है, इतना भी नहीं होता यार। भाई ये देख लो गाइस चीनू की कमर में भाई क्या लगा दिया, इतने सारे लट्टू लगा दिए भाई साहब। ये देख लो गाइस क्या हाल कर दिया भाई चीनू का, पूरी चीनू की कमर भर चुके भाई कब थेरेपी से। जो जो पूछ रहा भाई क्या हो गया? एक बार और कर एक्सरसाइज कर, एक्सरसाइज कर, हाँ ऐसे पूरी स्ट्रेचिंग चल रही है चीनू की। लेकिन ऐसा लग रहा है सो जाऊं, रिलैक्स महसूस हो रहा है ना, मतलब नींद आ रही है मुझे तगड़े वाली। फादना नहीं है चीनू की बॉडी में गंदगी। गाइस भाई बता रहा है भाई चीनू की बॉडी में टॉक्सिंस है भाई, कौन से वाली गंदगी बताना? टॉक्सिंस होते हैं ना बॉडी में, इसके निशान थेरेपी कराने से ही हटेंगे। ये देख लो गाइस चीनू की कमर भाई, कितने निशान हो गए गाइस चीनू के, गंदगी है, गंदी चीजें खाता सारी। तो फाइनली गाइस चीनू और मैंने कब थेरेपी करवा ली, पहली बार करवाई है लाइफ में, और मजे आ गए भाई। पहले तो दर्द हुआ, और उसके बाद गाइस जो फीलिंग आ रही है ना अभी, एक नंबर की फीलिंग आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितना तगड़ा वाला रिलैक्स हो गया हम, बिल्कुल हाथ पैर गाइस पूरे लाल पड़ गए, जो भी स्ट्रेस वगैरह कुछ भी होना दिमाग का भाई एकदम सारी निकल गई, बहुत मस्त फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे लेटेंगे ना तो मस्त वाली नींद आएगी। गाइस ये देख लो भाई चीनू के कान भी कितने रेड हो गए भाई, पूरे कान रेड हो गए, कमर में निशान हो गए, ये 3-4 दिन रहेंगे गाइस पूरे निशान ये।
बाकी गाइस फिलहाल मैं करूंगा एडिटिंग, फिलहाल वीडियो को इंपेंड करते हैं यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो तो चैनल का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।